फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल अनोखा नाश्ता लेके आई हूँ, जो कि मैं मैदा से बनाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का नाश्ता बनाना। ये मैंने मैदा लिया 250 ग्राम, जो कि मैंने अच्छी तरह छान के साफ करके रख लिए। अब इसमें हम 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करना है। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे। सॉफ्ट डो तैयार करना है, ना तो टाइट रहे ना लूज रहे ज्यादा। देखिए, मैंने मैदे का आटा लगा के रख लिया है। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तब तक हम इसके मसाला तैयार कर लेते हैं आलू का। ये नाश्ता जितना दिखने में अच्छा लगेगा उतना ही खाने में टेस्टी लगेगा। नाश्ते का मसाला तैयार कर रही हूँ। तेल गर्म हो गया है, मैंने 1 चम्मच तेल डाला था इसमें छोटा वाला। अब इसमें जीरा डालते हैं, 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, मटर डालेंगे इसमें। अब इसमें मसाले डालेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह भून लेंगे इन्हें। मसालों को अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें मैं 4 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। इसको भी अच्छी तरह हम मसालों के साथ भून लेंगे। बेसन अच्छी तरह हमारा भून चुका है, मसालों के साथ मिल चुका है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालते हैं। ये मैंने आलू उबाल के ओके रख लिए अच्छी तरह मिक्स करके। देख, अब मैं इनको डालती हूँ। आपको जितना मसाला बनाना है उतने आलू ले लें आप। अब इन चीजों को अच्छी तरह मिलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे। मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं प्लेट में। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं मसाले को। ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जब हम इसकी छोटी छोटी बॉल बना के रखेंगे। मैदा को रखे हुए 10 मिनट हो गए, अब इसको चेक करते हैं हम। हाथ में इस तरह से ऑयल लेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छी तरह मैदा में मिक्स कर लेंगे ऑयल को इस तरह से। देखिए, मेरी मैदा का आटा ज्यादा है तो मैं इसके 3 भाग कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसके 3 भाग कर लिए हैं। अब इसको साइड में रख देते हैं। मसाला भी हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लेके इसमें से छोटी छोटी नींबू के आकार की बॉल बना लेते हैं। अगर मसाला चिपकता है तो इस हाथों पर ऑयल लगा लें थोड़ा। इस तरह से छोटी छोटी बॉल बना के रख लें मसाले की। मैंने इस तरह से मसाले के छोटे छोटे बॉल बना के रख लिए हैं। अब हम जो मैदे का आटा है उससे हम रोटी बेलते हैं। इस तरह से लोई बना लेंगे। देखिए, अब इस पे हम सूखा मैदा लगाते हैं। इस रोटी को एक जैसा बेलना है, कहीं से मोटा कहीं से पतला नहीं बेलना है। मैंने स्लिप पे बेली इसलिए मैंने मोटी लोई ली थी और ये काफी बड़ी रोटी बन गई है। रोटी अच्छी तरह बेल चुकी है। देखिए, मैंने इतना पतला बेला है इसको और रोटी एक जैसी बेलनी चाहिए चारों तरफ से। अब हम क्या करते हैं, साइड से इसके जो किनारे हैं इनको काट लेते हैं और इस रोटी को चौकोर आकार देते हुए इस आटे को उस आटे में मिला लेंगे जो रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको 1.5 इंच की चौड़ाई में काटेंगे हम। इस तरह से काट लें। देखिए, मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए। अब हम इसमें से बीच में से कट लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इनको पहले रोटी को 4 हिस्से में काटा, फिर जो 4 हिस्से थे उनके 2-2 हिस्से कर लिए। प्लेट में निकाल के रख लेते हैं इस तरह से। ये मैंने प्लेट में रख लिया और एक जो पीस है हमारा इसको मैं यहाँ रख लेती। अब ये बॉल लेते हैं मसाले वाली, उसको यहाँ रखते हैं हम और इसको फोल्ड करेंगे।
ऐसे फोल्ड करना है इसे। है ना, इस तरह से फोल्ड करके। और ये मैंने लॉन्ग लिए हैं, इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में लॉन्ग लगाएंगे हम, इस जोड़ पे लॉन्ग लगाएंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें तब ये खुल ना जाएं। इस तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये डिजाइन। ऐसे ही मैं बना लेती हूँ सारे। देखिए मैंने इस तरह से बना के रख लिया है, ये कितना सुंदर डिजाइन लग रही है इसकी। अब मैं इनको तलती हूँ। मैंने इधर ऑयल गर्म करने रख दिया था, ये गर्म हो गया है। ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम स्लो गैस पे ही गर्म करना है इसे। अब इसमें मैं डालती हूँ ये तलने के लिए। अभी हमें इन्हें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, एक मिनट तक ऐसे ही सिकने देना है। अब देखिए एक मिनट पूरा हो गया है, अभी अपने आप ऊपर आने लगे हैं कढ़ाई में। अब इनको हम इस तरह से पलट पलट के सेक लेंगे। ये अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, देखिए गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। हमारा नाश्ता बनके तैयार है। आपने समोसे कचौड़ी तो बहुत खाए होंगे, लेकिन इस तरह से नाश्ता बना के नहीं खाया होगा। आप जिस तरह से मैंने बनाया है, आप भी इस तरह से बना के खाएं, आपको खाने में बहुत टेस्टी लगेगा और मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।